वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में सिंक की दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में सिंक की दिशा का बहुत महत्व होता है। सिंक को सही दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और धन वैभव में वृद्धि होती है। सिंक रखने के लिए सबसे शुभ दिशाएं उत्तर पूर्व दिशा। ये दिशा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए ये सिंक के लिए सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। इस दिशा में सिंक रखने से घर में धन वैभव और समृद्धि आती है। उत्तर दिशा, ये दिशा भी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और यह सिंक के लिए एक अच्छी दिशा मानी जाती है। इस दिशा में सिंक रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। सिंक रखने के लिए अशुभ दिशाएं दक्षिण पश्चिम दिशा। ये दिशा राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिशा में सिंक रखने से घर में कलह क्लेश और आर्थिक परेशानियां हो सकती है। दक्षिण दिशा, ये दिशा आग तत्व का प्रतिनिधित्व करती है जो जल तत्व के विपरीत है। इस दिशा में सिंक रखने से घर में आग लगने का खतरा हो सकता है। सिंक रखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सिंक को कभी भी गैस स्टोव के पास नहीं रखना चाहिए। जल और अग्नि तत्व एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए। सिंक को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदा सिंक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। सिंक के नल को हमेशा बंद रखना चाहिए। बहता हुआ पानी धन की बर्बादी का प्रतीक है। सिंक के पीछे दर्पण लगाना शुभ माना जाता है। दर्पण में पानी का प्रतिबिंब धन और समृद्धि का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में सिंक की दिशा का पालन करके आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित कर सकते हैं और धन वैभव में वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त वास्तुशास्त्र सुझाव दिए गए हैं जो आपके रसोई घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने में मदद कर सकते हैं। रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। रसोई घर में ताजे फल और सब्जियां रखें। रसोई घर में तुलसी का पौधा लगाएं। रसोई घर में चूल्हे के पास लाल मिर्च की माला लटकाएं। रसोई घर में पूजा करें और भोजन बनाते समय सकारात्मक विचार रखें। इन वास्तुशास्त्र सुझावों का पालन करके आप अपने घर में एक खुशहाल और समृद्ध जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं।